इसको डायरेक्ट ऐसे डाल देना है। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आप टेंशन मत लो, अभी फिर बहेगा ना तो अच्छा लगेगा। अच्छा। अरे वाह रुद्रांश, तू तो सही चला लेता है, मेरे से नहीं चलती चॉकलेट सिरप। वाह दोस्तों, रुद्रांश ने तो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर ली है। सच में रुद्रांश तुम तो बहुत अच्छे हो गए हो, काबिल हो गए हो लड़के मेरे। अरे वाह आज तो मुझे मिल रहा है इज्जत। इधर आगे से करना चाहिए, इधर से आगे से। ये क्या कर रहे हो? छोटू ये देखिए क्या बन गए हो तुम, बटलर? छोटू बटलर साहब, बटलर साहब, छोटू साहब, छोटू साहब, बटलर साहब, बैठो ना मैम। बहुत यम्मी बना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली मीनल में। तो दोस्तों आज की रेसिपी होने वाली है कुछ डिफरेंट। डिफरेंट क्या, मैं ये रेसिपी जो है फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि रुद्रांश को ये रेसिपी बहुत पसंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक, और ये मैंने ना बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी वीडियोस को देख करके तब मैं बना रही हूँ अपने हिसाब से मॉडिफाई करके। तो देखते हैं कि ये बनती कैसे है, बिगड़ती है कि अच्छी बनती है, और रुद्रांश को तो ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रुद्रांश ही हमारा टेस्ट करने वाला ही है और वही जज करता है कि अच्छा बनाए कि बुरा बनाए। तो चलिए मैं बनाती हूँ फर्स्ट टाइम पैनकेक, और ये देखते हैं कैसे बनने वाले हैं। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं हम अपने टेस्टी से पैनकेक। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है मैंने, और यहाँ पर पूरा एक कप मैं यूज कर रही हूँ मैदा का, और इसे हम छान लेंगे एक छन्नी से, ये देखिए, ताकि इसके अंदर एयर आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे 2/3 कप चीनी का, ले रही हूँ पिसी हुई चीनी है ये, और मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रुद्रांश को थोड़ा मीठा पसंद है तो इसीलिए मैंने 2/3 कप लिया है। बाकी देखिए बनता कैसे है, अच्छा बनता है कि बुरा बनता है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये 1/2 कप मिल्क पाउडर है, क्योंकि मिल्क पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐसा मैंने सुना है, बाकी पता चलेगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच का भी 1/2 बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला वो, और इसे भी हम मिला लेंगे अच्छे से। 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारे सारे सूखा हुआ पाउडर है ये सब हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और आप इसको है ना इस स्थिति पे है ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैं तो रुद्रांश को अगर ये अच्छा बन जाता है, क्योंकि मैंने देखा था वीडियोस में तो लोग कह रहे थे कि इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर अच्छा बन जाता है तो ऐसे ही स्टोर करके रख लूंगी, रुद्रांश को फिर टिफिन में मैं दूंगी। और अब हम डालेंगे इसमें हनी, इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये पूरा मैं ना 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे। इसमें दोस्तों अगर मैपल सिरप होना आपके पास तो वो भी डालिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रही हूँ मैं, ये देखिए 1/2 चम्मच, इससे अच्छे सा फ्लेवर आएगा। और अब हमें डालना है इसमें दूध, ये मैंने हल्का सा गर्म किया है, ल्यूक वार्म दूध है ये, और इसे है ना 1 कप है पूरा, लेकिन हम देखेंगे इसे कितना हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मिलाते जाएंगे। और फिर हमें देखना है स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, अगर हमें ज़्यादा लगता है तो उस हिसाब से हम कम क्वांटिटी कर लेंगे इसकी, और अगर कम लगता है तो थोड़ी बढ़ा लेंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स करना है, तो विस्कर की मदद से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अभी तो गाढ़ा है ना, उसमें हम थोड़ा सा और मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि हमें स्मूथ बनाना है बेटर। आप तो बोलिए आज मेरी फेवरेट चीज़ बना रही हूँ। आज तो मैं तेरी फेवरेट चीज़ ही बना रही हूँ, दिखाना थिकनेस इस, और थोड़ी सी और बनानी है। अरे ये देखिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस 1-2 चम्मच, देखिए आप इतना थिक सही रहेगा मम्मी। हाँ वही तो गाइस, हमने यहाँ पे ये मंगाई है चॉकलेट स्प्रेड। हाँ। जो मम्मी आधी खत्म भी कर चुकी। अच्छा, है अच्छा, मैंने कब खत्म? मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखाता हूँ गाइस, मम्मी ने आधी खत्म। आधी तो ऐसे ही आती है ना? नहीं नहीं नहीं, कहाँ आधी खत्म हुई है गाइस? अच्छा थोड़ा सा नहीं, पूरी आधी है गाइस, आधी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की,
ये देखिए जैसे मैं उठा रही हूँ तो ऐसे गिर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम अगर इसमें पैन में डालेंगे या तवे पे डालेंगे तो अच्छा सा एक गोल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से इडली के बैटर की तरह का। हाँ बिल्कुल सही, देखा रुद्रांश भी मेरी रेसिपीज देख देख करके रुद्रांश को भी पता चल गया कि किसके बैटर की तरह। ठीक है तो चलिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम कर लेते हैं पैन की तैयारी। इसमें आप चाहें तो है ना बनाना मैश करके भी डाल सकते हैं, तो बनाना पैन केक हो जाएंगे। एक कप दूध था और आधा कप ही दूध यूज हुआ है और बाकी बच गया है, तो हिसाब से ही आप डालिएगा दूध इसमें। तो देखिए बनके तैयार हो गया ना हमारा बैटर। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढक करके, ताकि थोड़ा सा सब चीजें सेट हो जाए। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए, यहाँ पर मैं 1 चम्मच है ना टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, इससे है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छे हमारी फ्लफी बनेंगे, तो 1 टेबल स्पून ही डाली है मैंने और इसे फिर मिला लेंगे। और इधर मैंने रख लिया है पैन और इसे हमें गर्म होने दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इधर मैंने 1 चम्मच से भी कम बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे मैं टिश्यू की मदद से पोंछ लूंगी ताकि हल्की सी ग्रीसिंग हो जाए। तो ये मीडियम फ्लेम हो गई है हमारी, तो मैंने एक गोल चमचा लिया है, थोड़ी सी क्वांटिटी लूंगी मैं और अब हम इसे डाल लेंगे। और बिल्कुल अब स्लो फ्लेम है और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। देखिए कितना अच्छा फूलने लगा है और इसमें बबल भी आने लगे हैं। और हमें 1 मिनट ही रखना है और बहुत ही हल्की फ्लेम रखनी है आपको। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेज हो रहा है या तेज गर्म हो गया है तो आप पैन को बंद भी कर सकते हैं। देखते हैं, अभी तो 30 सेकंड ही हुए हैं, बस 30 सेकंड बाद हम देखते हैं और फिर पलट लेंगे इसे। तो देखिए मैंने यहाँ से एक देखा था तो हल्का सा हमारा बन गया है, फर्स्ट ट्राई है हमारा। ये देखिए लगता अच्छा रहा है, ये देखिए से तो सीख गया है, बस हमें इन्हें पलटना है। मेन टास्क तो वही है पलटना, नहीं पलट भी जाएगा ये देखिए। और रे मम्मी स्मूथ बनाया ना, थोड़ा सा इधर से मुड़ गया है। इसे भी हम हल्के से ढक करके रख देंगे, इसको डेकोरेट मैं कर लूं। तो इसे भी हम 30 सेकंड के लिए ढक के रखेंगे। तो देख लेते हैं हम, 30 सेकंड हो गए हैं, देखिए मतलब बन गया है। ये देखिए बिल्कुल नहीं आ रहा, तो हम इसे उठा लेते हैं। अगर आपका हाथ सिलिकॉन पे चलता है तो सिलिकॉन से उठा सकते हैं। ये देखिए वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना है, तुम ब्रेड की तरह बना है ना रुद्रांश, बहुत अच्छा बना है। चलिए हम और भी ट्राई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है तो हमारी शेप अच्छी नहीं है। 3 के साथ करते हैं। हाँ, मैं डालू। अरे नहीं, जल जाओगे बेटा। 3 ना एक बार मत करो, मुझे सब आते हैं। हाँ हाँ देखो पहले मैं बताती हूँ, देखा ना तुमने, बस हल्का सा लो इसको, यहाँ से इसको उठाओ, इतना थोड़ा सा चाहिए ना, इतना थोड़ा सा कम करो क्योंकि थोड़ा सा ये लिक्विड ही फॉर्म में ना। ठीक है बस। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे से करो, नीचे से ऐसे पहुंचो। हाँ हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, देखा देखो प्रो है तो देखो नीचे से कैसे करते हैं। ये पार्ट कट कर देना, डालू मैं? हाँ हाँ डालो, ये देखिए बस, देखिए अरे वाह, बस ये मेरा पैनकेक है मम्मा, देख रही हूँ। कर सकते हो? और आज बिल्कुल स्लो है, और अब इसे ढक के तो रखो भाई साहब। मैं खड़ा हूँ। हाँ बनाना तो है क्योंकि इनकी वीडियो है। बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, देखो अभी चलो अभी तो इसकी डेकोरेशन भी होगी ना। ठीक है चल, अच्छा ये वाला ले लेते, फिर दूसरे में बना रही हूँ। आप बना रही हूँ? मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है, खा के देखते हैं। चलो बना नहीं और शुरू हो गया। अच्छा बन गया, क्या खराब बना है? बहुत अच्छा बना है, खा के देखो। नहीं मैं नहीं खा रही, एक एक एक। अरे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उसके बाद तुम बताओ। अच्छा बना है बहुत, और यम्मी बना है। अभी तो उसकी डेकोरेशन होगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। बड़ा अच्छा है ना, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, सॉफ्ट है। तो बना दिया करूँ मैं इसका प्रीमिक्स बना के रख लूंगी घर में। सॉफ्ट एकदम एकदम से दिखा जा रहा है एकदम से। ये तो खैर ट्रायल था हमारा, दिखाया अभी फोकस में नहीं आया हमारा। हाँ ये देखिए अच्छा बना है, तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए इसमें बबलिंग आने लगी है, अब 1 मिनट हो चुका है। अब रुद्रांश जो है तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना, ये भी यूज कर सकते हैं। तुमसे इसी से हैंडल होगा, बाकी तुम देख लो अगर सिलिकॉन वाले से हैंडल कर सको। मैं ही निकाल देती हूँ ना। नहीं मेरे साथ अन्याय किया गया। 1 मिनट रुक जा, ये मम्मी ने निकाल दी, दिख रहा है ना आपको, ये मम्मी निकालते हुए। कम ऑन मम्मी, यू कैन डू दिस।
ये होते हैं तरीके, पहले उसको सिलिकॉन से निकाल लिया। मैं तो डोरा केक लग रहा है। हाँ। इसके अरे हाँ, मतलब वो डोरा केक पैनकेक था। हाँ, और क्या, उसके बीच में बस वो था और क्या, चॉकलेट की स्प्रेड, तो वो तो हमारे पास है ही है, तो हम लगा लेंगे वो ही हमारी चॉकलेट स्प्रेड। हाँ। जो मम्मी आधी खा चुकी है। कहाँ खाया है मैंने, एक चम्मच खाया है। झूठ मत बोल। अरे एक चम्मच खाया, आधी कहाँ खाई है मैंने। अरे वो टूट गया, देखो देखो। कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत तो चलता है, हम ट्राई कर रहे हैं तो टूटेगा ही थोड़ा सा। इसके तो तीन चार एक साथ टावर बनता है ना, फिर उसके ऊपर से मैपल सॉस या फिर वो डालते हैं। मैपल सिरप तो अब है नहीं, तो हम शहद डाल के काम चलाएंगे। जो मम्मी आधी खा चुकी है। अरे शहद भी आधा खा लिया, सब कुछ आज मम्मी ने आधा खा लिया है ना। खाओ पियो ऐश कर मित्र। रुक जाओ, अभी वो बना नहीं है, देखो इधर से साइड से दिख रहा है। वो तो बेटा केक की तरह फूल गया है ना। वैसे वनीला की खुशबू कैसे आ रही है, क्योंकि वनीला कैसे डाला। देखो बन गया, और ये देखिए मैंने पलट लिया है, ये अच्छा बना एकदम गोल्डन। इसे हम निकाल लेते हैं, वो वाला तो बच के हमारा रुद्रांश खा गया है, वो गया। अब हम दूसरा बना लेते हैं गाइस, फिर हम मिलते हैं डेकोरेशन के समय पे। तो गाइस हम बना लेते हैं, तो पहले हमें बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इनके ऊपर जैसे फेविकॉल होता है ना, कुछ चाकू है मम्मा, क्या करना है, चाकू से तो स्प्रेड लगेगी ढंग से। अच्छा बेटा खराब मत कर देना, देखो आज रुद्रांश आ गया है मेरे किचन में। और अरे तो क्या मैं खराब ही करूँगा, तो कुछ नहीं करना गाइस। जैसे इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर ऐसे फेविकॉल की तरह सबके ऊपर ऐसे ऐसे लगा दो, ये देखो ऐसे 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 करके लगा दो। अच्छा भाई, तुमने उल्टा लगाया है भाई साहब, पहले बताना था। चलो कोई नहीं, देखिए गाइस नीचे करके दिखाओ ऐसे। इसको हम अच्छे से चारों बॉर्डर पे ऐसे ऐसे लगा लेंगे। हाँ। और लगा लेते हो थोड़ी, आज खत्म कर देंगे क्योंकि आज तो मम्मी खाई थी। फिर मैंने नहीं खाई है आदि, देखो ये मेरे से ऐसी करे चारा, बदमाशी करता है जब मैं किचन में आता है तो। सब पे हम ऐसे ऐसे करके लगा लेंगे। तो गाइस ये देखिए, हमने इन दोनों को बना लिया है ना, तीन का टावर होता है वैसे तो, चार का किसी का पता नहीं, मुझे टावर वावर का कुछ नहीं पता। ये ऐसे कर लिया हमने, तो इसके ऊपर अब हम इसको एक के ऊपर ऐसे टावर बनाते जाएंगे। अच्छा फिर है ना, अब इसको भी हम बना लेते हैं। ये हमने ऐसे टावर बना लिया है। गाइस यहाँ पे मम्मी ने एक पैन केक का मर्डर कर दिया है। मर्डर क्या, वो टूट गया मुझसे, अब वो भर दिया बचे हुए बैटर से, देखो चला के ताकि मुझे पता ना लगे। तो क्या हो गया ये देखिए, तो आज हमारा जो है ना ये रेसिपी मस्ती मजाक होने वाली रेसिपी है। लोहर तोड़ दिया मम्मी ने, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। अब जल्दी जल्दी निकालो, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो तुम्हारा, तुमने तो टावर तैयार कर लिया है अपना। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है ना ये, ये हम रहा मेरा टावर बनके तैयार हो गया रुद्रांश का टावर। अब मम्मा पकड़ेगी कैमरा और मैं इसको डेकोरेट करूंगा। तो हमने ये इतना शहद लेना है, इतना शहद पहले सब वो डाल दे चॉकलेट सिरप मुट्ठी भर के, हमें ये लेना मुट्ठी भर के। हाँ, चम्मच भर करके। हाँ, इसको डायरेक्ट ऐसे डाल देना। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं आप टेंशन मत लो, अभी फिर बहेगा ना तो अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर आप चाहो बटर डाल सकते, बटर डालना चाहते तो बटर भी डाल सकते हो, तो हमें अच्छा लगता है तो मतलब मैंने कभी खाया नहीं, मैंने देखा है बस, मतलब खाया नमक भी डाल सकते थोड़ा सा बटर में। हाँ वो खाया है, वो एक बार वो जो था ना मिलेट वाला, वो हमने बना के खाया था, वो देखिए अच्छा था, मिलेट वाला तो अच्छा था ना। तो गाइस हम उसको यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। अच्छा ये बटर है हमारा। अच्छा अब इसको हम चॉकलेट से थोड़ी डेकोरेशन डाल देंगे। हाँ रुद्रांश हमारा, इसके ऊपर भी तो डाल, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ अरे वाह रुद्रांश तू तो सही चला लेता है, मेरे से नहीं चलती चॉकलेट सिरप। वाह दोस्तों रुद्रांश ने तो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर ली है। सच में रुद्रांश तुम तो बहुत अच्छे हो गए हो, काबिल हो गए हो लड़के मेरे। वाह मैपल सिरप होता तो और अच्छा लगता ना, पर शहद से भी अच्छा लगेगा क्योंकि हर एक के पास वो नहीं होता मैपल सिरप। बन गया आपका पैनकेक, अब खाने में देखते हैं कैसा लगेगा। वाह इसके ऊपर अगर चेरी होती तो अच्छी लगती ना, मैंने कहा था ना मम्मी वो भाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, तो चलो अब खाके भी देखते हैं। आज मैं खाऊंगी तब बताऊंगी क्या करना है, मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी, मतलब वैसे तो वही अभी खाया है, तो ये मैं खाती हूँ आज, तो मैं ही खाऊंगी आज। टेस्ट नहीं करेगा, खाया कैसे जाता है फॉक से और स्पून से नाइफ से, बट अब मुझे मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो ऐसे ही चम्मच से खाऊंगी। हाँ चम्मच से खाऊंगी। चीटिंग कर रही हूँ मेरे साथ। हाँ आज तेरे साथ चीटिंग करनी। वाह खाओ
अरे वाह, आज तो मुझे मिल रहा है इतनी इज्जत। इधर आगे से करना चाहिए, इधर से आगे से। तो चलो अभी मिल लेती हूं। चलो हमने किडनैप कर लिया, चलो बैठ, चलो चलो बैठ रहे हैं। देखिए रुद्राज ने मेरे लिए प्रॉपर सब बना के रखा है, ये इतना भी नहीं खा पाऊंगी, पर चलो ट्राई करती हूँ। ये क्या कर रहे हो? छोटू ये देखिए क्या बन गए हो तुम, बटलर? छोटू बटलर साहब, बटलर साहब, छोटू साहब, छोटू साहब, बटलर साहब, बैठो ना मैम आप। अच्छा मैम बैठ रहे हो, लीजिए आप पकड़िए बटलर साहब कैमरा हमारा, तो हम अच्छे से बताएंगे। वैसे हमने फर्स्ट ट्राई किया है तो कैसा बना है? कैसा बना है? बहुत यम्मी बना है, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। तो रोके रही हो? बहुत अच्छा बना है, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं बना पाऊंगी। अच्छा बन गया, मैंने भी खा लिया था, बहुत यम्मी है। मैं तो ड्रांस नहीं छोड़ रही, मैं खुद खा रही हूँ। मैम 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 तो आप लोग भी ये ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी बनी है। मजा आ गया, मजा आ गया ना। तो मम्मी आज आप कुछ बोलना चाहोगी? मैं खा ही रहा हूँ। तो गाइज मैं इस वीडियो का एंड कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी और मम्मी की तरफ से, वैसे वीडियो मैंने बनाई थी मम्मी ने बस चॉकलेट खाई थी आधी। अच्छा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, नहीं इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। तो हम मिलते हैं इसी तरीके की मस्ती मजाक की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।